जय श्री माता जी। आज मैं आपको वेजी चीज़ रोल बनाना सिखा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि उसमें क्या क्या यूज़ होता है। हमने दो उबले हुए आलू लिए हैं, इनको मैंने मैश कर लिया अच्छे से। ये हमारा चीज़ है, मोज़रेला चीज़ है, ये घर पे ही बनाया हुआ है मैंने। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ये हमारी बारीक कटी हुई सब्जियाँ हैं, इसमें हमारी शिमला मिर्च है, बीन्स है, ब्रोकली है, ये हमारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया है, ये पनीर है, ये बंद गोभी है, इसमें हमारी गाजर और चुकंदर है, ये हमारा प्याज है, ये हमारे कॉर्न्स और मटर है, इनको मैंने थोड़ा सा बॉयल कर लिया था, और इसमें बाइंडिंग के लिए मैदा है और कॉर्नफ्लावर है, ये हमारे ब्रेड क्रम्स हैं, और ये हमारी हरी मिर्च बारीक कटी हुई है। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें हम ये सब चीज़ें मिलाएंगे, उबले हुए आलू, ये मोज़रेला चीज़, पनीर, हरा धनिया, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, प्याज, थोड़े से हमारी ये ब्रेड क्रम्स, ये मैंने घर पे ही बनाए हैं, मिक्सी में ब्रेड डालकर इसको ग्राइंड कर लिया है। ये हमारा मैदा और कॉर्नफ्लोर मिक्स। अब इसमें हम ये सारी सब्जियां डाल लेंगे, बंद गोभी, गाजर और चुकंदर, ये बच्चे घर में नहीं खाते हैं, चुकंदर का टेस्ट थोड़ा अलग होता है तो बच्चे नहीं खाते हैं, तो इसलिए इसमें बहुत थोड़ा सा मैंने डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि चुकंदर बहुत हेल्दी होता है, इसलिए ये कॉर्न्स और मटर, इनको मैंने बॉयल कर लिया था थोड़ा सा। अब ये स्वाद अनुसार नमक डालेंगे इसमें, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा ये ओरिगैनो। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स अब हम इसकी ऐसे बॉल्स बना लेंगे, ये देखिए आप कितने अच्छे से बाइंड हुआ है ये हमारा सब कुछ। इस साइज़ की अब बॉल बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये हमारी सारी बॉल बनकर तैयार हो गई है। अब मैंने एक बाउल में ये मैदे का घोल लिया है, इसको आपको इतना पतला रखना है, और इसमें मैंने नमक, ओरिगैनो और थोड़े से चिली फ्लेक्स डाले हैं ताकि जो बाहर का बेस है वो टेस्टलेस ना लगे, और ये इसलिए मैंने बनाया है क्योंकि ये इसके अंदर मोज़रेला है, तो जब हम इसको तलते हैं तो इसमें मोज़रेला बाहर ना निकल जाए, इसलिए ये बेस बनाया है। तो अब हमें ब्रेड क्रम्स लेने हैं। अब सबसे मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए, तो अब हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इनको बॉल्स को इसमें डिप करेंगे, फिर हम इसको ब्रेड क्रम्स में डिप करेंगे, इसको हम अच्छे से ब्रेड क्रम्स में कर लेंगे, एक बार फिर इसको हम इसमें डिप करेंगे, और फिर एक बार हम इसको ब्रेड क्रम्स में करेंगे। अब ये हमारे सारे चीज़ रोल तैयार हो गए हैं। अब हमारा तेल भी गर्म हो चुका है, अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको कैसे डालना है इसमें। अब आप देखिए ये हमारे वेज चीज़ी बॉल्स तैयार हो गए हैं, और ये हरी चटनी भी मैंने घर पर बनाई है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। धन्यवाद।